संविधान का राज चाहिए, कानून का राज चाहिए, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी को जिताना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास शोषण होता रहेगा। कौन सी तुम्हारी पार्टी है जो उनके सामने खड़ी हो सकती है? एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो उनके सामने आंख में आंख डालकर खड़ी हो सकती है और कह सकते हैं कि हम अपने वजूद पर लड़ेंगे। अरे आप धर्म के नाम पर कब तक अपने बच्चों की कुर्बानी देते रहेंगे? जो धर्म का नाम लेते हैं उनके बच्चे विदेश में जाके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का काम कर रहे हैं। आप कावड़ उठाते रहो, बस कावड़ उठाते रहो कावड़, बोलते रहो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलने से तुम्हें नौकरी मिल लिया क्या? आप लोगों की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप लोग पार्टी को मजबूत कीजिए, और जिस दिन पार्टी मजबूत हो जाएगी आप वोट डाल देंगे, उस दिन देखना इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को किसी की औकात नहीं जो बदल देगा। माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब ने तुम्हें देने वाला बनाया और तुम भीख मांग रहे हो, हमें बिजली दे दो, पानी दे दो, शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो, न्याय दे दो। अरे मांगते ही रहोगे, मांगते ही हो क्या? कभी अपना वजूद भी बनाओगे? जाति देखकर काम करते हैं, FIR जाति देखकर होती है, मूछों के नाम पर कत्ल हो रहा है, क्या इस देश के अंदर हो रहा है? धर्म के नाम पर कहीं भी बैठका दीजिए। अरे आप इस देश को क्या पंगू बनाना चाहते हो? नौजवानों को, नौजवानों के हाथों में कटोरा देना चाहते हो? प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने 80 लाख लोगों को राशन दिया। अरे तुमने उनको रोजगार नहीं दिया तो राशन ही दोगे ना मेरे भाई? रोजगार दो ना उनको। कोई फ्री में बिजली दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई राशन दे रहा है। अरे भिखारी बना दिया तुमने, ये तुमको भिखारी बनाने देना चाहते हैं? अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, वोटिंग का अधिकार दिया, वोट से राजा बनता है, वोट डालो, राजा बनाओ अपना, और जिस दिन तुम्हारा राजा बन जाएगा उस दिन तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले भीख मांगने वाले नहीं बनोगे। माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब ने तुम्हें देने वाला बनाया और तुम भीख मांग रहे हो, हमें बिजली दे दो, पानी दे दो, शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो, न्याय दे दो। अरे मांगते ही रहोगे, मांगते ही हो क्या? कभी अपना वजूद भी बनाओगे? बहन कुमारी मायावती अपना वजूद बनाना चाहती हैं तो हजारों लोग उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं उन पे कि बहन जी अकेली चल रही हैं। अरे अपनी ताकत तो बनाओ तुम। तुम अगर समुद्र में जाके मिल जाओगे तुम्हारी क्या पहचान बनेगी? तुम्हारी कोई पहचान है? आज तक तुम्हारी वोटों को छीना गया, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ रेप किया गया, तुम्हारा वजूद नहीं है कहीं भी देश में। अगर कोई इंसान तुम्हारा वजूद बनाना चाहता है तो तुम क्वेश्चन लगाते हो उस पे। कौन सी तुम्हारी पार्टी है जो उनके सामने खड़ी हो सकती है? एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो उनके सामने आंख में आंख डालकर खड़ी हो सकती है और कह सकते हैं कि हम अपने वजूद पर लड़ेंगे। आप वोट ही डालनी है आपको, वोट भी डालने में शर्म आ रही है आपको? अरे वोट डालो, कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे लेना देना नहीं है। अपनी पार्टी को वोट डालो, अपने चुनाव चिन्ह पर वोट डालो, हाथी पर वोट लगाओ, फिर देखो हम क्यों नहीं जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे। अरे वोट डालने से जीते हैं, कोई पेपर देना पड़ रहा क्या? नहीं, आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बहन जी की बात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो बहुजन समाज क्यों वोट दे हमको? वोट इसलिए दे क्योंकि 2007 से लेके 2012 का शासन देख ले हमारा, जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में शासन में थी, जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ करते थे, गरीब से गरीब के बच्चे को एजुकेशन मिलने का काम किया, न्याय मिलने का काम किया, न्याय जो आज नहीं न्याय मिलता, साथ दिया ना आज न्याय। हाँ तो हम समाज से अपील कर रहे हैं ना, तो अगर आपको न्याय चाहिए, समता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, भाईचारा चाहिए, संविधान का राज चाहिए, कानून का राज चाहिए, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी को जिताना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास शोषण होता रहेगा। आज समाज पीड़ित है तो फिर बहुजन समाज पार्टी कहां है? क्यों नहीं समाज? बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती हर मुद्दे को, हर मुद्दे पर अपना वो स्टेटमेंट देती है, हर मुद्दे पर देती है। उनके कार्यकर्ता जाते हैं, हम जैसे लोग गली गली में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हम केवल 15 दिन काम नहीं करते हैं, हमारा 5 के 5 साल काम चलता है, हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, हम लोगों के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। वो लोग तो सिर्फ वोटिंग के लिए आते हैं, 15 दिन आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। हम वोट लेने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए काम कर रहे हैं। और हम उनसे कहते हैं कि अगर तुम हमको वोट दोगे, हमको वोट दोगे, हमारी पार्टी को जिताने काम करेंगे, तो हम संपूर्ण तरीका से तुम्हारे जीवन को परिवर्तन कर देंगे, एजुकेशन हम देंगे, रोजगार हम देंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम देंगे, तुम्हें मान सम्मान की जिंदगी हम देंगे, घर तुम्हें हम देंगे, रोड हम बनाकर देंगे, हर जीवन तुम्हें बनाकर देंगे, रोजगार तुम्हें देंगे, हर चीज तुम्हें बनाकर दे देंगे जो संविधान में तुम्हारे अधिकार है। नेता जी आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता हर दिन काम करते हैं, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आता काम? देखिए जमीन पे क्यों नहीं दिखाई देता काम? देखिए हमारी जो पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो काडर में काम करती है, हम झुग्गी झुग्गी जाके, गांव गांव जाके, गली गली जाके हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इन लोगों के पास धन्ना सेठों की पार्टी है, ये काम कम करते हैं, प्रचार बहुत ज्यादा करते हैं। अब G20 का देख लीजिए, इतना प्रचार कर रखा है, इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया इन लोगों ने, पूछो मत इनको, क्या उनकी स्कीम बन सकती नहीं बन सकती? आपने देखा इंजेक्शन बनाया, उसका इतना फायदा नहीं हुआ जितना इनका प्रचार कर दिया। भैया ये प्रचार वाली पार्टियां हैं, ये लाखों करोड़ों रुपया प्रचार में लगाती हैं, मैनेजमेंट करती हैं ये लोग, फोटो खिंचवाने वाले लोग हैं ये लोग,
ये लोग झूठ को भी सच परोसने का काम करते हैं। इनके साथ मीडिया है, इनके साथ धन्ना सेठ है, इनके साथ में व्यापारी हैं, इनके साथ में मंदिर के मठ मठाधीश हैं, सारे लोग सपोर्ट करके पैसा देने का काम करते हैं। हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के बीचों पर चलती है, हमारा कार्यकर्ता वोट भी देता है, सपोर्ट भी देता है, हमारा कार्यकर्ता 5-5 रुपये की पर्ची कटाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करता है। हम धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेते हैं, बहन कुमारी मायावती धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेती है। हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है और विचारधारा इतनी मजबूत विचारधारा है कि वो समता की बात करती है, वो संविधान की बात करती है, न्याय की बात करती है, बंधुता की बात करती है। उस विचारधारा को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, उस अधिकारों को ये संविधान को बदल के खत्म करना चाहते हैं। यही तो लड़ाई है देश के अंदर। एक व्यक्ति तो संविधान को खत्म करके वो गैर बराबरी की व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, वो ऊंच नीच की व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, वो अन्याय की व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, वो आपको रोजगार नहीं देना चाहता, और एक पार्टी आपको संविधान के माध्यम से वो सारे अधिकार देना चाहती है जो फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको न्याय देना चाहती है, आपको शिक्षा देना चाहती है, आपको रोजगार देना चाहती है, आपको सम्मान के साथ नागरिक का पूरा अधिकार देना चाहती है, आपके बच्चों को सारी सुविधा देना चाहती है, आपको अच्छा माहौल देना चाहती है, इस देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। आपके समझ में नहीं आ रही ये वाली बात? अरे आप धर्म के नाम पर कब तक अपने बच्चों की कुर्बानी देते रहेंगे? जो धर्म का नाम लेते हैं उनके बच्चे विदेश में जाके इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने का काम कर रहे हैं। अमित शाह का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन गया, आपके बच्चों को क्या मिला? आप कावड़ उठाते रहो, बस कावड़ उठाते रहो, उठाते रहो कावड़, बोलते रहो जय श्री राम, जय श्री राम बोलने से तुम्हें नौकरी मिल लिया क्या? बताइए आप लोग बताइए। आपको सिर्फ धर्म के नाम पर पंगू बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, आपके भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, आपका जो प्यार है उसको खत्म किया जा रहा है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इनकी चालाकियों को समझिए, आप लोग देश को बचाने के लिए आगे आइए और एक ऐसी पार्टी को चुने जो देश के संविधान को बचाना चाहती है, और वो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती। बहन कुमारी मायावती ने अभी फैसला लिया कि वो अकेले चुनाव में लड़ेंगे, इससे समाज में खासकर बहुजन समाज में खासी निराशा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कोई निराशा नहीं है, निराशा को कैसे दूर करोगे? हमारे समाज बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि बहन जी आज भी इस समय निडर होकर वो अपनी ताकत बनाना चाहती हैं, अपने ऊपर किसी की बैसाख के ऊपर नहीं लड़ना चाहती हैं वो। आप जब बैसाखी होती हैं आपके पास में तो कोई भी टंगड़ी मारकर आपको गिराने का काम करता है। बहन कुमारी मायावती आपको अपनी ताकत बनाकर देखना चाहती है। आपको वोट डालना है, वोट डालिए ना, आप वोट तो डाल ले रहे हैं, आप दूसरे को हराने के लिए तीसरे को जिता देते हैं, कब तक जिताते रहोगे आप? अरे आपने BJP को जिताया, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ बताइए? आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताया, रत्ती भर भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ तो बताइए, कोई परिवर्तन हो जाए? पर लोग तो कह रहे हैं कोई परिवर्तन है। और जिन लोगों ने डर के अकेले चुनाव, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2022 में सपा को समर्थन दिया, हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने, कुछ पत्रकार भी थे उनमें, कुछ उनमें बहुत सारी पार्टियां थीं, बहुत सारे लोग उसमें प्रोफेसर थे, सब चले गए अखिलेश को जिताने के लिए। अरे क्या मिला वहां से बताइए आप लोगों को? सिर्फ धिक्कार मिला आपको, सिर्फ आप लोगों को वहां से अपमान मिला और कुछ नहीं मिला। इतनी मेहनत तुम अगर बहुजन समाज पार्टी में करते तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बात कितना आगे होता, और तुम ही लोग बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करते। इसलिए मेरे भाइयों आज समय है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को बचाने का, आज समय है ज्योतिबा फूले की विचारधारा को बचाने का, आज समय है कबीर और महापुरुषों की विचारधारा को बचाने का, आज समय है माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी जो दी है उसको सेव करने का, आज समय है बहन कुमारी मायावती की कुर्बानी को बचाने का। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को शक ये है कि बहन जी ने BJP के डर के मारे ये फैसला लिया अकेले चुनाव लड़ने। बहन जी किसी से नहीं डरती, बहुजन समाज पार्टी किसी से नहीं डरती है, वो अपने मिशन पर काम कर रही है लगातार पिछले 40 साल से। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती हैं। हमारा एक सपना है इस देश में, ये देश बुद्ध में हो, ये देश संविधान से चले, और ये सपने के लिए बहन कुमारी मायावती पार्टी लगातार काम कर रही है। आप लोगों की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप लोग पार्टी को मजबूत कीजिए, और जिस दिन पार्टी मजबूत हो जाएगी आप वोट डाल देंगे, उस दिन देखना इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को किसी की औकात नहीं जो बदल देगा, जो बात भी कर लेगा। आप भी विपक्ष में है, जो तमाम पार्टियां और विपक्ष जब एक गठबंधन एक साथ बन रहा तो उसमें जाने में दिक्कत क्या आप लोगों को? वो मान सम्मान से बहन कुमारी मायावती हमारी पार्टी को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, अब हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं देश के अंदर, बहुत जी लिए ऐसे, अब हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, और हमारी पार्टी सम्मान के साथ देश के अंदर चुनाव लड़ना चाहती है। सबसे बड़ी देश में हमारी पार्टी है, हम नेशनल लेवल के चुनाव लड़ते हैं, नेशनल लेवल की पार्टी है, और वो लोग क्या हमको खामखा बुलाना चाहते हैं? कोई भी हमें सम्मान के साथ नहीं जीना लेके आना चाहता है, इसलिए बेकार की बातें हैं।
हमारी पार्टी बहन कुमारी मायावती जो डिसीजन लेगी पूरा समाज उनके साथ में है, और हम जो भी करेंगे वो समाज को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। बहन कुमारी मायावती जो भी निर्णय लेती हैं वो बहुजन समाज को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेने का काम करती है।